हे गाइस वेलकम बैक। तो आज हम फिर से अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गए हैं रामनगर सोसाइटी में, जहाँ पे हमारा पुराना घर बन रहा था उसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम अपनी जो प्लॉट है वहाँ पे दीवार को खड़ी करेंगे, दीवार इंस्टॉल करेंगे हम फोर्कलिफ्ट मशीन की मदद से। तो चलिए, हमने दीवार को लिफ्ट कर लिया है फोर्कलिफ्ट मशीन से और वहाँ पर हम अपने प्लॉट की नींव पर वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं इस दीवार को जल्दी से। तो भाई चलो चलते हैं दीवार को लेकर के। यहाँ पे हम पहले राइट साइड पे रखेंगे इस दीवार को फोर्कलिफ्ट मशीन की मदद से। दीवार बहुत हैवी है, भारी भरकम है बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है हमने इस दीवार को। तो अब हमें दूसरी दीवार को लेफ्ट साइड पे इंस्टॉल करना है। भाई बिल्कुल गजब चीज़ है, एक नंबर फोर्कलिफ्ट मशीन, एक नंबर चीज़ है भाई। जितने भी मटेरियल सारे के सारे ये लिफ्ट कर लेती है और बिल्कुल छोटी सी मशीन है, काम इतने बड़े बड़े करती है। पर तो हमने भाई सेकंड वॉल भी इंस्टॉल करने के लिए हम रेडी हो गए हैं। सेकंड वॉल को हम लिफ्ट करके वहाँ पे लेफ्ट साइड पे नींव पे हम इंस्टॉल कर देंगे सेकंड वॉल भी। फिर हमारा ये टास्क में भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो वही यहाँ पे मतलब अच्छे से ये मशीन चल नहीं पा रही है, जिस साइड जा रहे हैं उस साइड नहीं जा रही है। लग रहा है इस मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई है, कभी मूव अच्छे से कर नहीं रही है। लगता है इसकी सर्विस करवानी पड़ेगी इस मशीन की। चलो कोई नहीं, सर्विस फिर किसी दिन करेंगे, फिलहाल तो अपना ये काम है पेंडिंग में, इसको कंप्लीट करते हैं पहले, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो चलो भाई, हमने फोर्कलिफ्ट मशीन की मदद से दीवार को लिफ्ट कर लिया। अब हम नींव की लेफ्ट साइड पे इसको इंस्टॉल कर देंगे इस दीवार को, हमारी एक साइड कंप्लीट हो जाएगी फिर। तो जल्दी से भाई हम धीरे धीरे लेके चलते हैं इसको, क्योंकि फास्ट लेके जाएंगे तो क्या पता ये मतलब फिसल भी सकती है फोर्कलिफ्ट मशीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले बारिश हुई थी तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह गीली है अभी। तो भाई हमने ये दीवार इंस्टॉल कर दिया है, तो हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा भाई सेकंड टास्क अब चालू होता है, जैसे हमने अभी कुछ थोड़ी देर पहले अभी दिखाया इसने कि क्रेन ने मिट्टी को ट्रक के अंदर डाला, ट्रक को फिल किया, वैसे ही हमें मिट्टी उठा के ट्रक को फिल करना है मिट्टी से। तो चलो भाई, अब हम भाई इसके तो भाई बिल्कुल चैन वाले टायर हैं, वैसे बिल्कुल जैसे टैंक के होते हैं ना, टैंक के वैसे इसके टायर हैं। तो भाई ये तो फिसल रही है बिल्कुल अच्छे से, राइट करता हूँ तो लेफ्ट जा रही है। तो चलो भाई, हमें यहाँ पे मिट्टी खोद करके ट्रक के अंदर फिल करनी है और फिर मिट्टी हम लेके चलते हैं जहाँ पे हमें लेके जाना है शायद मिट्टी को। देखो वो हमारे सामने वो ट्रक खड़ा है बड़ा सा, उसके अंदर हमें ये मिट्टी को फिल करना है। तो ये हमारी क्रेन है भाई, यहाँ पे मिट्टी हम खोद देंगे इससे क्रेन की मदद से। क्रेन भी गजब है भाई, बिल्कुल परफेक्ट वर्क, गुड। मिट्टी को हमने खोद के क्रेन के हाथ में भर लिया है, ये क्रेन का हाथ है। तो भाई अब हम चलते हैं लेफ्ट करके राइट, हमें क्योंकि उस साइड जहाँ से हमने मिट्टी खो दिया उसके आगे हमारा ट्रक खड़ा हुआ है। तो भाई हम ट्रक को फिल कर देते हैं पहले मिट्टी से, फिर देखो आप, ज़बरदस्त काम है बिल्कुल, काम करने है भाई, मज़ा तो भाई क्रेन चलाने में है, कुछ भी कहो ज़बरदस्त है। ये देखो इसके पूरा सर्कल की तरह ये घूम सकता है, इसका फेस जो है क्रेन का पूरा। अच्छे वाले बैरिंग इसमें फिट किए हैं जो अच्छी तरह रोटेट कर सकें। फ़िलहाल तो हमें ये मिट्टी ट्रक के अंदर फिल करनी है ट्रॉली में। तो भाई हम चलते हैं बैक करके यहाँ से, भाई क्या कर रहा है, चलो यहाँ से बैक कर लेते हैं, बैक करके उस साइड हम ट्रक के अंदर भर लेते हैं, मिट्टी को फिल कर देते हैं। तो भाई हमारा मोस्टली जो बेस होता है, बेस वाला घर बनाने के लिए,
वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो भाई चलो अब हम भरते हैं ट्रॉली जो ट्रक की है उसके अंदर मट्टी फिल कर देते हैं। हमारा काम बस यही है, यहाँ पे क्रेन की मदद से हम मट्टी को फिल कर रहे हैं अब ट्रक की ट्रॉली के अंदर। तो भाई चलो भाई हमने ये मट्टी को हम फिल कर देते हैं और फिल कर दिया ये।